Hello students, this is English Readers, a subject, and the name of this chapter is How Pussy Spends Her Day. इसमें पुसी नाम के जो है एक कैट है, यह जो है अपना पूरा टाइम पूरा दिन कैसे स्पेंड करती है इसके बारे में इस चैप्टर में दिया गया है, जो कि मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. आप इसे ध्यान से सुनिए. पुसी इज़ एन अर्ली राइजर. Her clock times at 5 in the morning. Pussy at once gets up. She calls her servant Mickey Mouse. The servant brings Pussy a cup of tea. Pussy takes the tea and gets ready for her morning walk. Pussy जो है बहुत जल्दी ही सुबह उठ जाती है 5 बजे के लगभग में, और उसके बाद जो है वह उठने के बाद अपने मिकी माउस, यानि मिकी माउस जो है उसका सर्वेंट होता है, उसका नौकर होता है, तो उसे वह बुलाती है. तो वह जो है सर्वेंट मिकी माउस उसके लिए टी लेके आता है, चाय लेके आता है सुबह की, और वह चाय पीती है और अपने मॉर्निंग वॉक पे निकल जाती है. कॉक अ डूडल डू, अ वॉइस कम्स फ्रॉम आउटसाइड. कॉक अ डूडल डू जो है बाहर से है आवाज़ लगाता है. पुसी नोज इट हर फ्रेंड. यह जो है पुसी का जो है, यह पुसी का जो है, यह तुम जैसे जानते हो कि यह पुसी का फ्रेंड होता है, उसका दोस्त होता है ये कॉकरेल. ही इज़ हर क्लासमेट. कॉकरेल जो होता है, ये जो बाहर से आवाज़ लगाता है, यह कॉकरेल नाम होता है इसका, यह जो है इसका सहपाठी होता है. किसका? कैट का. कैट के यानी पुसी का. पुसी का जो है यह सहपाठी होता है, इसके साथ पढ़ने वाला उसका फ्रेंड होता है. दे आर गुड फ्रेंड्स. दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, पुसी और कॉकरेल. दे रीड एंड प्ले टुगेदर. वे दोनों एक साथ पढ़ते हैं और लिखते हैं. म्याऊ म्याऊ क्राइस पुसी. पुसी जो है चिल्लाती है म्याऊ म्याऊ करके. इन हर लैंग्वेज मीन्स, मैंने अपनी भाषा में म्याऊ म्याऊ करके चिल्लाती है और बोलती है कि मैं आ रही हूँ. कौन चिल्लाता है म्याऊ म्याऊ करके? यानी ये जो पुसी कैट होती है. बोथ पुसी एंड कॉकरेल गो फॉर दियर मॉर्निंग वॉक. दोनों जो है क्या करते हैं, मॉर्निंग वॉक पे निकल जाते हैं. दे गो टू बर्ड पार्क. वह जो है बर्ड आई पार्क में जाते हैं टहलने के लिए. इट इज़ अ बिग एंड ब्यूटिफुल पार्क. वह पार्क जो होता है बहुत बड़ा और सुंदर होता है. इट इज़ वेरी प्लीजेंट एट दिस टाइम. वहाँ पर वे जो दोनों हैं बहुत अच्छा, मतलब समय खुशीपूर्वक व्यतीत करते हैं. द एयर इज कूल एंड फ्रेश. वहाँ का जो हवा होता है वह बहुत ही फ्रेश, ताज़ा और ठंडा होता है. बर्ड्स चिप इन द ट्रीज. और बर्ड्स जो है, चिड़िया जो है चिर्प करती है, मैंने चिर्प चिप की आवाज़ निकालती है. बटरफ्लाइज फ्लिट फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर. बटरफ्लाई जो होती हैं, जो तितलियाँ होती हैं, वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर उड़ते हुए नज़र आती हैं. पुसी हैज़ ए स्कीपिंग रोप. पुसी के पास जो है एक मतलब कूदने वाली एक रस्सी होती है, स्कीपिंग रोप होती है. सी लव्स टू स्कीप ऑन द ग्रीन ग्रास. वह जो है बहुत अच्छा लगता है उसको स्किप करना हरी हरी घास पर, मतलब उछलना कूदना उसको बहुत अच्छा लगता है अपने स्कीपिंग रोप के साथ में. बट कॉकरेल लव्स जॉगिंग. लेकिन कॉकरेल जो कॉकरेल नाम का उसका दोस्त होता है, वह जो है जॉगिंग को बहुत प्यार करता है. वह जॉगिंग से प्यार करता है और वह जॉगिंग करता है. ही गोज जॉगिंग अराउंड द पार्क. वह उसके चारों तरफ जो है पार्क के जॉगिंग करने के लिए जाता है. द टू फ्रेंड्स स्पेंड एन आवर इन द पार्क. वह जो है 1 घंटे तक उस पार्क में दोनों दोस्त जो है व्यतीत करते हैं. देन दे कम बैक होम. मतलब जैसे कि वे जो है घर वापस आते हैं. नाउ पुसी हैज़ अ बाथ एंड गेट्स रेडी फॉर स्कूल. इसके बाद जो है अब पुसी जो है नहाती है और तैयार होती है स्कूल के लिए. मदर गिव्स हर ब्रेकफास्ट. मिकी माउस ब्रिंग्स हर स्कूल बैग. मदर जो है उसकी उसको क्या देती है, ब्रेकफास्ट देती है, नाश्ता देती है पुसी को, और मिकी माउस जो है उसका बैग स्कूल का लेके आता है. फादर गिव्स हर अ किस. उसके पापा जो होते हैं, पुसी के जो पापा होते हैं, वो उसको किस करते हैं एंड लीव्स फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए छोड़ने जाते हैं. पुसी इज़ नेवर लेट फॉर स्कूल. वह स्कूल के लिए कभी भी लेट नहीं होती है. पुसी जो होती है कभी भी स्कूल के लिए लेट नहीं होती है. सी गोज़ बाय द स्कूल बस. वह स्कूल के द्वारा जो है वह स्कूल जो है बस से जाती है. कॉकरेल ऑल्सो गोज विद हर. कॉकरेल जो उसका दोस्त होता है, फ्रेंड, वह भी उसके साथ जाता है. पुसी कम बैक फ्रॉम स्कूल एट 2:00 इन द आफ्टरनून. दोपहर के 2 बजे
तक जो है पुसी वापस स्कूल से घर आ जाती है। मदर गिव्स लंच लंच टू ईट, मदर जो है उसको क्या देती है, उसको फिर लंच कराती है, देती है। आफ्टर ईटिंग पुसी गोज़ टू हर रूम, इसके बाद जो है खाने के बाद जो है पुसी अपने रूम में चली जाती है। देयर सी टेक्स अ नैप फॉर एन आवर, और एक घंटे के लिए पुसी को जो है झपकी सी आने लग जाती है, वह सो जाती है। इन द इवनिंग पुसी गोज़ आउट टू प्ले, फिर उस शाम को जो है पुसी जो है बाहर खेलने के लिए घर में से बाहर जाती है। सी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, वह जो है बहुत मतलब खेलना वह जो है बहुत पसंद करती है और खेलती है। सी प्लेज विथ हर फ्रेंड्स, वह अपने दोस्तों के साथ जो है खेलती है। बट शी कम्स बैक इन टाइम फॉर हर होमवर्क, लेकिन वह जो है वापस समय से घर भी आ जाती है, अपना होमवर्क भी करती है। सी ओपन्स हर स्कूल बैग, अपना स्कूल बैग खोलती है। एंड फिनिश हर वर्क, और अपना क्या करती है, सारा जो स्कूल का वर्क होता है उसे फिनिश करती है। हर फादर कम्स बैक एट सॉरी हर फादर कम्स बैक होम एट 7 o'clock, उसके पापा जो हैं घर वापस 7 o'clock पर आते हैं। देन दे सिट एट द टेबल, वह जो है तब वे टेबल पर बैठते हैं। एंड हैव दियर डिनर, और अपना भोजन करते हैं। पुसी इन्जॉयज ईटिंग विद हर फादर, बहुत खुशी खुशी जो है पुसी उनके साथ जो है भोजन करती खाती है और इन्जॉय करती है। इन्जॉय करते हुए सी इज़ हर फादर्स डार्लिंग चाइल्ड, और उसके जो पापा हैं पापा की वह जो है बहुत प्यारी बच्ची होती है। पुसी जो होती है वो अपने पापा की बहुत प्यारी बच्ची होती है। पुसी गोज़ टू बेड एट 10 p.m. पुसी जो है अपने बेड पर जो है 10 p.m. पर चले जाती है, मतलब सोने के लिए चले जाती है। गुड नाइट पापा, और पापा से कहती है गुड नाइट। गुड नाइट मामा, मम्मी को भी अपने गुड नाइट बोलती है। सेस पुसी व्हेन सी लीव्स फॉर हर रूम, और वो अपने घर में कहते हुए चली जाती है। थैंक यू।